अल्लाकम स्टूडेंट्स हा और यू हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर वन आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ़ बायोलॉजी टू द अदर साइंसिस के बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसिस के साथ कैसे रिलेट करती है तो इसमें हम पढ़ेंगे बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स या उसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं बायो जियोग्राफी एंड बायो इकनॉमिक्स ये जो डाइग्राम हमें दिखाई गई है यहाँ पर बुक में ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी का अदर साइंसिस के साथ कि फ़िज़िक्स है बायो फिज़िक्स में मसल्स और बोन्स का वो मुताे करते हैं जियोग्राफी यानी बायो जियोग्राफी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गनिज़म्स के आर्गनीज़म्स की तकसीम किस जगह पे कितने हैं कैसे वो सब केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री आ जाती है फोटोसेंसिस और रेस्पेरेशन का ये जो मेकानिज़म है ये आपस में कैसे रिलेट हैं बायो और केमिस्ट्री बायो केमस्ट्री में इकनॉमिक्स जो है बायो इकनॉमिक्स इसमें हम वो स्टडी करते हैं बेनिफिट्स या लॉस कि हमें किसी भी चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है मैथमेटिक्स में बायोमेट्री हम डाटा जो है वो एनालिसिस हम अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसको फिर हम उस पर मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करते हैं तो हम एक वन बाय वन जो है इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है बायो जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स के बायो जो है इसमें हम फिज़िक्स के जो कानून हैं वो स्टडी करते हैं जो विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना जो फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी के इन दोनों के दरमियान इन दोनों पे सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है कौन से कि वे लीवर का जो फंक्शन है फिज़िक्स में और लिम्स ऑफ एनिमल्स है बायोलॉजी में ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं तो इसलिए ये है बायो फिज़िक्स नेक्स्ट है बायो केमिस्ट्री इसमें क्या हम स्टडी करते हैं डील्स विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के हम मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास उनकी केमिस्ट्री स्टडी करते हैं और जो फिनोमिनन जो कोई भी प्रोसेस लिविंग ऑर्गनिजम्स में हो रहे हैं वो स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल बेसिक मेटाबोलिज्म ऑफ फोटोसेंसिस फोटोसेंसिस का जो बेसिक मेटाबोलिज्म है और रेस्पायरेशन इन्वॉल्व इन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री तो इस तरह ये जो केमिस्ट्री है ये बायो के साथ रिलेटेड है बायो मैथमेटिक्स या इसको बायोमेट्री भी कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स के हम हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना है लेकिन यूज़ हम उसमें क्या कर रहे हैं मैथ्स के जो फार्मूलाज हैं या टेक्निक्स हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद हम डाटा को इकट्ठा करके एनालाइज करते हैं उसका तज्जिया करते हैं तो बायोलॉजिस्ट जो है वो उस पर मैथ्स के रूल्स अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी इसमें क्या स्टडी करते हैं कि अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोई चीज़ जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ़ लिविंग ऑर्गनिज़म्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजनस ऑफ द वर्ल्ड के दुनिया के जो मुख्तलिफ रीजनस हैं उसमें किसी भी चीज़ की अक्रेंस यानी पाई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी तकसीम की गई है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ की कि वो किस तरह की गई है इट अप्लाइज़ द नॉलेज ऑफ़ द करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटर्मन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेजम्स फ्राउंड देयर किसी भी जगह पर वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो उनकी खसूसियात क्या हैं नैक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स बायो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल के कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यूरिट ऑफ वीट के गंदम के आ, गंदम के फसल से हमने उसकी जो पैदावार हुई है उसमें हमने खर्चा कितना किया था कॉस्ट वैल्यू उसकी कितनी है और उसमें हमें प्रॉफिट कितना आया है उसको हम बायो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटर्मन और कोई किसी भी चीज़ में हमें कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है वो हम उसका पता लगा सकते हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है कि जो बायोलॉजी है वो सा, दूसरी साइंसिस से कैसे रिलेट करती है कल हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़